आपके अपने YouTube चैनल रक्षाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का पेपर, सबसे पहला पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का 6 दिसंबर को है। लगातार मैं आपको इसलिए तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही आपको 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए सॉल्यूशन के लिए, लगातार कह रहे थे ओके, तो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो इसलिए आपका पार्ट दो है ओके, पार्ट एक आ चुका है। पार्ट एक में मैं दोस्तों आपको 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के क्या है बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है ओके। पार्ट एक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में वीडियो की लिंक मिल जाएंगे ओके। इस वीडियो में हम दोस्तों अपने बचे हुए 3 अंकीय और 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न को बेस्ट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ओके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम दोस्तों देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है ओके। तो ये आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है ओके। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है कि क्या है आपको सिद्ध करना है, विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु का पर विभव का शून्य होता है ओके। ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा संयोजन का चित्र बनाइए ओके। अब देखिए इसमें मैंने आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों दे दिया है, लेकिन पेपर में आपसे एक पूछा जाएगा ओके, या तो समांतर क्रम में पूछा जाएगा या श्रेणी क्रम में पूछा जाएगा ओके। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है ओके। तो पहले हम देख लेते हैं समांतर क्रम का ओके। अगर समांतर क्रम से पूछा जाता है आपको जुड़े संधारित्र की तुल्यधारिता, तो आपको क्या लिखना है, ये आपका दिया हुआ है ओके। डायग्राम जरूर बनाइएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के सहायता से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे ओके। तो ये आपका दिया हुआ पूरा सॉल्यूशन, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। और ये हमारा आ जाता है समांतर क्रम में संधारित्र की ओके तुल्यधारिता ओके। फिर नेक्स्ट आपको श्रेणी क्रम में देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो ये आपका दिया है श्रेणी क्रम में ओके। फिर ये आपका देख लीजिए डायग्राम दिया हुआ है, इसके बाद आपका ये दिया हुआ है ओके, फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। और इसके बाद फाइनली हमारा आ जाता है श्रेणी क्रम सामूहन की परिणामिक धारिता का भंजक ओके, ये आपका दिया हुआ है ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किरचाप के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार आ चुका ओके। चलिए देख लेते हैं किरचाप के नियम ओके। तो ये आपका दोस्तों दिया हुआ है किरचाप के नियम ओके, और उनकी व्याख्या, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपके दिए किरचाप के नियम ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका ये डायग्राम किस तरह समझाया गया है ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था है किरचाप का नियम ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आलेख कीजिए इस एवं इसका सिद्धांत समझाइए तथा संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q = R/S निगमित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये भी क्या है, 2 साल पहले बोर्ड परीक्षा में आ चुका है ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार कर लीजिएगा। किरचाप का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का ओके सिद्धांत देख लेते हैं ओके। तो ये आपका दिया है व्हीटस्टोन सेतु का आरेख ओके, और ये आपका समझाया गया है ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ ओके। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था है ओके। तो ये आपका है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए ओके। लास्ट ईयर की हाफ ईयरली में आया था ओके, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है ओके, तो याद अच्छे से कर लीजिएगा ओके, तैयारी से समझ लीजिएगा पूरा। तो देख लीजिए आपका दिया हुआ है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है कंप्लीट ओके। तो ये आपका यहाँ अपना कंप्लीट हो जाता है ओके, तो देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है ओके। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं, और सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके ओके। धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, धारा और इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग में आपका संबंध ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, धारा और इलेक्ट्रॉन आपके अपवाह वेग में संबंध ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका पूरा दिया हुआ है, धारा और आपके अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध ओके। ये आपका पूरा दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ओके। मैंने कहा है 5 से 6 साल, मतलब लगभग आपके लास्ट 10 ईयर तक का बोर्ड एग्जाम का एनालिसिस किया है ओके, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ ओके। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए ओके। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए ओके। तो ये आपका दिया है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर ओके, 3 पॉइंट है, तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके। तो
ये हो जाता है आपका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। ओके, अगर दोस्तों आपको क्या समझने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, ओके, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय पीड़न संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आपका पहले विद्युत चुंबकीय पीड़न संबंधी लेंज का नियम, ओके, और फिर आपको इसे बताना है कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ओके, तो ये आपको बताना है। ओके, फास्ट नहीं चलिए, पहले आपका ये लेंज का नियम बताया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम। ओके, केवल आपसे क्या है, दो नंबर में लेंज का नियम पूछा जा सकता है, यही वाक्यन में भी, तो भी आपको लेंज का नियम बनना चाहिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और इसके आगे आपका ये दिया, ओके, इसमें समझाया गया है कि जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है कैसे। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है हाइगेन के तरंग द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओके, बाकी तो आपको ये पूरा फिजिक्स में आपको समझना पड़ता है, अगर आप चित्र साहित्य टीचर से या किसी यूट्यूब वीडियो से समझ लेते हैं ओके, तो याद करने में आसानी होगी। ओके, क्योंकि आपको इसमें रट नहीं सकते, रटेंगे तो क्या है, आप तुरंत ही भूल जाएंगे। ओके, पेपर जाते ही जाते भूल जाएं। ओके, तो इसलिए आपको पूरा सिग्नल कंसेप्ट आपको अच्छे समझना है। ओके, तो ये आपका हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें लिखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, देख लेते हैं व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, व्यतिकरण क्या है। ओके, और व्यतिकरण की शर्तें। ओके, इसकी शॉर्ट ले लीजिए कि किसी शर्तों के अंतर्गत प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के किसी स्थान पर प्रकाश का परिणामी तीव्रता में परिवर्तन की घटना को क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दो नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, दो नंबर मैंने इंपॉर्टेंट में आपको बताया था। ओके, तो स्क्रीन शॉर्ट आप इसका फास्ट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, तो इसका भी क्या है, आप फास्ट इंसोर ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, तीन पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने क्या है, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, कंप्लीट हो जाता, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट दोस्तों अब हम देखेंगे चार अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, चार अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते। ओके, और जितने भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nuagasadiclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा nuagasadiclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा तो वहाँ पर आपको क्लास ट्वेल्थ के ऑल द आपको चैप्टर के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम चार अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है अपना क्वेश्चन है, विद्युत प्लग संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके, अगर चलिए देख लेते हैं गॉस का नियम, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, क्योंकि अगर आप 10 साल के पेपर उठाएंगे तो उनमें 4 से 5 बार वो गॉस का नियम आया। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस का नियम, देख लीजिए आप, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपके टीचरों ने अच्छे से आपको मेथड समझाया होगा, वैसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तो आपका दिया हुआ है गॉस का नियम, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसमें आप सिद्ध करना नहीं दिया, ये परिभाषा बस दी है, तो सिद्ध करना आप अपनी तरफ से देख लीजिए, लेकिन आपको क्या है, गॉस का नियम दिया है, साथ ही आपको सिद्ध करना भी सीख लेना। ओके, इसमें सिद्ध करना नहीं है तो आप अपनी तरफ से सिद्ध करना देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था और उससे पहले भी कई बार आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं ऐसे भी हम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो आप क्या है, इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया था, 2020 की आया था। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था। बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा उसे अच्छे से। ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट इन शॉर्ट लीजिए, आपका दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, साथ ही आपको इसके बाद निरक्षीय स्थिति में भी सीख लेना। ओके, ये दो टाइप के क्वेश्चन, एक अच्छी में है स्थिति में और निरक्षी में। ओके, तो आपको ये अच्छी में वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका सीन थोड़ा फास्ट ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ पूरा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है और ये अपने आ जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्वापेरण एवं अन्योन्यपेरण में कोई चार अंतर लिखिए। ओके, तो स्वापेरण और अन्योन्यपेरण में अंतर आपको अंतर बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है स्वापेरण और अन्योन्यपेरण में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ये आपके चार अंक में है। ओके, चार अंक में आपको आना है, डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन रेखा चित्र सहित कीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना
इसका आपको रेखा चित्र सहित आपको वर्णन करना है। तो ये आपका दिया हुआ है, इसी से लीजिए पहले आपको सिद्धांत समझाया गया है। नवांगी चित्र में आपको दिखा देता हूँ, ओके। इसके बाद आपको संरचना किस प्रकार से अपनी संरचना दी हुई है, ओके। फास्ट इन ले लीजिए, ओके। तो अपना कंप्लीट हो जाता है। इसकी संरचना आप देखना चाहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनेमो, ओके। तो इसका ये आपका ये दिया है डायग्राम, ओके। तो तैयार कर लीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनेमो कि आपको संरचना आपको तैयार कर लेनी है, साथ ही नामांकित चित्र सिद्धांत सब तैयार कर लीजिएगा, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। कि ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए, नामांकित चित्र सिद्धांत परिमाण अनुपात का सूत्र ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय, ओके। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ये आपका दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का आपका नामांकित चित्र सिद्धांत परिमाण सूत्र का अनुपात ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। तो पहले नामांकित चित्र देख लीजिएगा, ओके। इस प्रकार से आपको बनाना है, फिर ये आपका सिद्धांत दिया हुआ है, ओके। फास्ट इन शॉर्ट आप इसका ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये आपका दिया हुआ है, इसी शॉर्ट ले लीजिए। फिर परिमाण अनुपात का सूत्र किस प्रकार से निकालना है वो आपका दिया हुआ है, तो ओके। तो इसका भी आप लिख लीजिए। अब इतने लॉन्ग में नहीं लिखना है, केवल आपको क्या है पॉइंट पॉइंट आपको मतलब फॉर्मूला डाल लिख के आपको इन्हें सॉल्व कर देना है, ओके। थ्योरी में इतना नहीं बताना है, ओके। आपको इसको क्या है चार नंबर के अनुसार आपको पूरा बना लेना है, ओके। ये आपका दिया हुआ है, फिर ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय दिए हुए हैं, ओके। तो इसी इंसोर आप फास्ट ही ले लीजिए। अब जैसे चार नंबर में आया तो केवल की हेडिंग हेडिंग बस आपको लिख देना है, ओके। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एसी परिपथ के लिए जिसमें LCR तीनों के लिए फेजर आरेख बनाकर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल धारा में प्रत्येक स्थिति का संबंध क्या है, ओके। ये आपको बताना, तो ये देवी क्वेश्चन भी क्या आपका 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया है, ओके। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ, ओके। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया, 2022 की एग्जाम में आ चुका है, ओके। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, फास्ट इन शॉर्ट ले लीजिए। ये आपको डायग्राम बनाना है, इस प्रकार से आपको करना है, ओके। LCR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, LCR के लिए आता है, ओके। तो LCR का अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ओके। बाकी आपका LCB है, RCB है, ओके। इस प्रकार से सब कई आपको मिल जाएंगे, ओके। लेकिन आपको केवल LCR का अच्छे से तैयार करना है, ओके। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है कंप्लीट, इसका सीन शॉट आप ले लीजिए। फिर कालांतर निकाला गया है, इससे प्रतिबाधा भी निकाली गई है, ओके। इसके बाद धारा किस प्रकार से निकालनी है आपका पूरा दिया है, इसकी जोड़ आप ले लीजिए, ओके। इसके लिए इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इन जोड़ आप ले लीजिए, फिर अनुवादी आवृत्ति, ओके। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट है, तो आप इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, पहला प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र, दूसरा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजन जबकि अंतिम प्रतिबिंब इसी के अंदर, ओके। इस पर जैसे कि न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने, ओके। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इन शॉर्ट आपका ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, ओके। आपको तो सरल सूक्ष्मदर्शी में इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है और आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आ सकता है, ओके। तो आपको दोनों तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी रेखा चित्र, ओके। फिर आवर्धन क्षमता किस प्रकार से आपके निकालनी है, तो ये आपका कंप्लीट दिया हुआ है, फास्ट इन शॉर्ट आप ले लीजिए, ओके। ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आप ले सकते हो, ओके। तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी दिखा देता हूँ कि अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अगर आपको तैयार करना है तो कैसा रहेगा। तो ये आपका देगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ओके। स्क्रीन शॉट इसका आप ले लीजिए, ओके। और आप दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी दोनों का तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। इसके आगे भी दिखा देता हूँ, तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, ओके। स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। ये बहुत ही हार्ड है, आपको लगातार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इन्हें कर पाएंगे यार, इन्हें अगर आप अगर समझते हैं तभी इन्हें कर पाएंगे, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। तो ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के लिए, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित करना है। तो ये आपका दिया हुआ है गोलीय दर्पण के लिए, तो इसका भी क्या है आप फास्ट इन शॉर्ट ले लीजिए, ओके। ये आपका गोलीय दर्पण के लिए दिया हुआ है, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, ओके। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है, ये आपका दर्पण सूत्र मतलब दर्पण सूत्र निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, ओके। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में 2 अंकी, ओके, और इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण 3 अंक और 4 अंक प्रश्न बता दिए सॉल्यूशन के साथ। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए बिल्कुल लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे अगर आप वस्तु नेक्स्ट प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ज्यादा कमेंट करते हैं, ओके, वस्तु नेक्स्ट के लिए कहते हैं, तो मैं आपको क्या सिलेक्टेड वस्तु नेक्स्ट प्रश्न भी आपको बता दूंगा, ओके। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।